तुम्हारे जने आनी पता क्या कहने लगी, धंधा करने लगी रिस केस में। तो उसने विदेशियों के लिए ऐसे कैसे बोल दिया कि उनकी बीबियां धंधा करती है, उसने हमको धंधा कर। राम राम मेरे सभी दोस्तों को। तो दोस्तों क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आजकल हमारे उत्तराखंड में बहुत ही चर्चा हो रही है। तो उसने विदेशियों के लिए ऐसे कैसे बोल दिया कि उनकी बीबियां धंधा करती है, उसने हमको धंधा करते हुए देखा, उसने हमको मुजफ्फर जाने जाते समय देखा। अनीसा रांगर की मम्मी सबको गाली गलौज कर रहे हैं जबरदस्त। तुम्हारी बेटी बारे तो मुजफ्फरनगर वालों ने जाना जो भगे। बहुत सारे लोग भाई लोग परेशान है कि हमें गाली दे रहे हैं। वो कह रहे कि तुम लोग होटल में बर्तन धोने जाते हो। तुम्हारे अपनी जने आने आपको भेड़ दिए सा नहीं यार, जने आने तुम्हारे चुप रहो ना यार, आपको भेड़ दिए सा नहीं यार, जने आने तुम्हारी इसकी असर रखी। तो तुम्हारे जने आने पता क्या करने लगी, धंधा करने लगी रिस्की इसमें आई। तुम्हें तो पता ही नहीं सालों तुम बर्तन विदेश में बर्तन ज्यादा विदेशी है मंग मेरे अन्य सफर अटैक करने लगे। तो तुम ना तुम तक भांड मत होना, तुम्हारी औखाद ना भांड भी मत होना की। और तुम्हारे जने पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो जितने भी हमारे भाई लोग ऋषिकेश में रहते हैं विदेश रहते हैं उनको भी बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी अगर एक होटल वाले ने कुछ बोल दिया कर दिया तो उसी को बोलो ना, सबको क्यों गाली दे रहे हो। तो इसलिए अनीसा रांगर की जो मम्मी जी हैं तो उनको आगे आके सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों इस टाइम ना पूरा उत्तराखंड गुस्से में है, तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए आगे आके। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो लोग इतने मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, विदेश में भी हैं, किसी से मांग के तो नहीं खा रहे। रही बात अगर बर्तन धोने की, तो बर्तन तो अगर आप लोग हो हम लोग हो कोई भी अपने घर में हम खाना खाते तो बर्तन तो खुद ही धोने पड़ते हैं। ये थोड़ी नहीं कि बर्तन हम फेंक देते हैं, उसी बर्तन को धो के दोबारा खाना बनाना पड़ता। तब माफी मांगे तब जाके हम चुप रहेंगे, वैसे हम चुप नहीं रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये लोग सही कह रहे हैं, जितने भी होटल और भाई की बीबी हैं सबसे माफी मांग लो, ये किस्सा यहीं खत्म कर लो, इसी में भलाई है। आगे जाके आपकी मर्जी, नहीं तो होटल वाले और उत्तराखंड वाले आपको छोड़ने वाले ने। बाय बाय।